इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। बिहार का एक बाका नौजवान, मुंबई की एक रोमन कैथोलिक लड़की, दोनों ट्रेन में मिलते हैं और मुंबई से दिल्ली के बीच की 1400 किलोमीटर की दूरी इनकी जिंदगी बदल देती है। आपको भले ही सुनने में ये कोई फिल्मी कहानी लग रही हो, लेकिन ये एक रियल लव स्टोरी है, प्रेम कहानी सुशील मोदी और जेसी जॉर्ज की। ये बात सन 1985 की है। 1985 की गर्मियों में सुशील मोदी जेसी जॉर्ज से एक ट्रेन यात्रा के दौरान मिले थे। उस वक्त सुशील मोदी पटना विश्वविद्यालय के छात्र थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य भी थे, और इसी सिलसिले में उन्हें कई यात्राएं करनी पड़ती थीं। वहीं जेसी जॉर्ज हिस्ट्री में पीएचडी कर रही थीं और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की तरफ से स्पॉन्सर्ड एक कश्मीर ट्रिप पर निकली थी। इसी दौरान दोनों मिले। द टेलीग्राफ को दिए अपने एक इंटरव्यू में सुशील मोदी उस यात्रा को याद करते हुए बताते हैं कि हम लोग सेकंड क्लास बोगी में थे, उनकी ऊपर वाली बर्थ थी, मेरी नीचे वाली, और हमारी बातचीत शुरू हो गई। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को भा गए। दोनों की बात आगे बढ़ी, एक साल के भीतर ही दोनों एक दूसरे को पत्र लिखने लग गए। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। सामने खड़ी थी धर्म, भाषा और रीति रिवाज की दीवार, जिसे मिटाना बहुत ही मुश्किल था। दोनों के घर वालों को जब इनके प्यार की खबर पता चली तो पहले तो इन्हें समझाने की कोशिश की, फिर भड़क गए। दोनों को डर था कि कहीं ये प्यार विवाह की राह पर ना चल पड़े, क्योंकि लड़का मारवाड़ी था और लड़की रोमन कैथोलिक, और ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। लेकिन ये कोई मामूली या साधारण प्यार नहीं था, ये तो शिद्दत वाला प्यार था जिसे निभाने का कठोर निर्णय इन्होंने पहले ही ले लिया था। घर वाले तो मान गए, लेकिन इनके प्यार में जो दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल थी वो थी सुशील मोदी का आरएसएस से जुड़े रहना। आरएसएस विवाहित पुरुषों को पूरी तरह से प्रचारक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति नहीं देता था। इस वजह से सुशील मोदी को आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में परामर्श लेना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने जेसी जॉर्ज से शादी की। सुशील मोदी ने आरएसएस का साथ छोड़ दिया और जेसी जॉर्ज के साथ 1986 में शादी कर ली। इस शादी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हुए थे, लेकिन इसके बाद सुशील मोदी ने राजनीति से भी दूरी बना ली और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला, लेकिन इसमें उनका मन नहीं लगा और कुछ ही सालों में उन्होंने इसे बंद कर दिया और 1990 में वो विधानसभा पहुंच गए। आज जहां जेसी जॉर्ज कॉलेज में लेक्चरर हैं, वहीं सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। दोनों के दो बेटे हैं, उत्कर्ष तथागत और अक्षय अमृतांशु। जहां आज के समय में भी अंतरजातीय विवाह करना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम है, वहां इन दोनों ने धर्म की सीमाओं को 35 साल पहले ही तोड़ दिया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और देखते रहिए बिहार तक।